Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue on your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से स्टडीज कराया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमने आपको लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो जिसमें प्रोज सेक्शन आपका स्टार्ट है. आपने पिछले वीडियोस के माध्यम से समरी ऑफ द पैसेज एंड एक्सप्लेनेशन को हमने आपको बताया था, इन चीज़ों का अध्ययन हमने आपको कराया था पिछले वीडियोस के द्वारा. आज आपको वही लेसन, जिसे हम लोग बोलते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं. तो आप बिल्कुल केयरफुली होकर सुने, अच्छे से बिल्कुल मेंशन करते रहें. तो चलते हैं अपने उन टॉपिक की ओर जो आपके लिए यहाँ पर एग्जाम से या कह लीजिए आपके सिलेबस से संबंधित है. तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द ग्रैंडफादर्स अपीयरेंस इन द पोर्ट्रेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि छायाचित्र में दादाजी किस प्रकार दिखाई देते थे, कैसे दिखाई देते थे, या कह लीजिए तो द ग्रैंडफादर वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग ग्लव्स इन द पोर्ट्रेट. ही हैड अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. तो इसका आंसर लिखा गया है कि दादाजी ने एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे, तरुण माने पगड़ी होता है, एंड लूज फिटिंग ग्लास और ढीले कपड़े पहने हुए थे इन द पोर्ट्रेट छाया चित्र में. उनके पास एक लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह कम से कम 100 वर्ष पुराने, ये कह लीजिए वो कम से कम 100 साल के दिखते थे. तो छाया चित्र में दादाजी का वर्णन जो किया गया है वो यहाँ पर हमने आपको बताया है. अगर आप क्वेश्चन की ओर चलें तो लिखा है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सीम अकॉर्डिंग टू द ऑथर. लेखक के अनुसार दादी माँ किस प्रकार प्रतीत होती थी या किस प्रकार दिखाई देती थी, ये आपका क्वेश्चन है. तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार सी लास्ट हर फिजिकल ब्यूटी, उन्होंने अपनी शारीरिक सौंदर्यता खो दी थी, एंड नेवर एग्रीड टू बी प्रिटी फॉर द पर्सन, और वह कभी भी अपने पोते के लिए सुंदर प्रतीत नहीं होती थी, बट लेकिन सी वॉज ब्यूटीफुल फॉर द चाइल्ड, लेकिन वह बच्चों के लिए बहुत सुंदर थी, बिकॉज ऑफ हर इनर क्वालिटीज एंड इनर माइंड, क्योंकि उनके पास आंतरिक गुण थे और एक उदार मस्तिष्क वाला, ये कह लीजिए दयालुता भरी हुई थी बच्चों के लिए, और इसलिए बच्चों के लिए वो प्रिय थी. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड होता है. अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर. अगर बात करें अगले क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर. तो दादी माँ का रोजाना का जो नित्य क्रिया है उनका वर्णन करना है कि वो पढ़ते क्या क्या करती थी, कौन कौन से कार्य उनके थे, उन्हीं चीज़ों को लिखना है यहाँ पे. तो उनका पहला इसका आंसर की बात करें, हर डेली रूटीन स्टार्टेड विद प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट. हर डेली रूटीन स्टार्टेड विद प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट. फॉर द ऑथर, फॉर द ऑथर गेटिंग हर ग्रैंडसन रेडी Getting
हर ग्रैंडसन रेडी फॉर स्कूल। फॉर स्कूल एंड देन एकॉम्पनिंग हिम एंड देन एकॉम्पनिंग हिम टू द विलेज स्कूल। इसके बाद है यहां पे सी वुड देन गो टू एडजॉइनिंग टेंपल। सी वुड गो देन टू द एडजॉइनिंग टेम्पल टू ऑफर हर प्रेयर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके यहां सामने है। दादी माँ का डेली रूटीन जो नित्य क्रिया अपने लेखक यानी ग्रैंडसन को नाश्ते बनाने के साथ शुरू होता था। गेटिंग हर ग्रैंडसन रेडी फॉर स्कूल, वे अपने ग्रैंडसन को स्कूल जाने के लिए तैयार किया करती थी और उसके साथ जाती थी गांव के स्कूलों में। उसके बाद वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाया करती थी। तो दादी माँ का ये जो रोजाना का रूटीन है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हेन वाज इट ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन कह रहा है उनकी मित्रता में एक मोड़ कब आया, बदलाव कब आया। तो क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर है द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप केम व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी। नाउ द नरेटर वेंट ऑन एन इंग्लिश स्कूल। In a bus, grandmother could no longer accompany him. Accompanying him to school. Although they shared the same room.
although they shared the same room, they saw less of each other. But they saw less of आपका क्वेश्चन लिखा है कि उनके मित्रता में एक मोड़ तब आया जब वे शहर में रहने के लिए शिफ्ट हो गए, स्थानांतरित हो गए। अब लेखक जो है एक इंग्लिश स्कूल में बस से जाया करता था। दादी माँ उसके साथ अब स्कूल में साथ नहीं जाया करती थी। यद्यपि वे एक ही रूम में रहा करते थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को बहुत ही कम देखा करते थे। ये फ्रेंडशिप में उतार चढ़ाव का परिवर्तन आया, ये आपको ने आंसर लिखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज सी नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द सिटी स्कूल। तो ये क्वेश्चन आपका है व्हाई वाज सी नॉट सेटिस्फाइड। Why was she not satisfied from the city school? वह शहरों के स्कूलों से संतुष्ट क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं? आंसर आप लिखिएगा। लिखा ग्रांड मदर वाज अनहैप्पी विद द सिटी एजुकेशन। ग्रांड मदर वाज अनहैप्पी। ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी विद द सिटी एजुकेशन। सी बिकॉज सी वाज ऑफ ओल्ड थॉट्स। Because she was of old thoughts, she liked the teaching. She liked the teaching in the school. She liked teachings in the school of the village. Where they taught about religion and gods. तो आपका क्वेश्चन का आंसर है दादी माँ दुखी थी या खुश नहीं थी शहर के शिक्षा से, क्योंकि वह पुराने विचारों की औरत थी। वह स्कूलों में उस प्रकार की शिक्षा पसंद करती थी जहाँ पर जैसे गांवों में धर्म और भगवानों के बारे में सिखाया जाता था, उस प्रकार की शिक्षा से दादी माँ खुश हुआ करती थी। तो आपका यह क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला नंबर 6, हाउ डिड सी डाई। दादी माँ की मृत्यु कैसे हुई, आपका एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं व्हेन सी स्टॉप टॉकिंग, व्हेन सी स्टॉप टॉकिंग टू एनीवन, रोजरी फेल डाउन। द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर फिंगर्स।
फ्रॉम हर फिंगर्स सी डाइड पीसफुली। तो अब क्वेश्चन का आंसर है, जब उन्होंने लोगों से बातें करना बंद कर दिया, धीरे धीरे उनके हाथों से जो माला थी जपने वाली वो छूट गई और उसके बाद दादी माँ की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन बेटा यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा, तब तक वीडियोज़ को देखें, समझें। ओके, टेक केयर ऑफ यू।